हेलो स्टूडेंट जय स्वामीनारायण. टुडे वी स्टार्टेड विद द यूनिट नंबर 6 स्पेसिफिकेशन. व्हाट इज स्पेसिफिकेशन? ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल्स एंड वर्कमैनशिप रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इन अकॉर्डेंस विद इट्स ड्राइंग्स एंड डिटेल्स इज नोन एज स्पेसिफिकेशन. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्पेसिफिकेशन? तो कितना मटेरियल चाहिए, क्या मटेरियल चाहिए, ओके, जो भी हमें आइटम है, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होती है, ओके, आरसीसी स्लैब है, आरसीसी बी में, ओके, ब्रिक मशीनरी वर्क्स है, एक्सकेवेशन है, तो किस तरह से काम करना है, दैट इज कॉल्ड वर्कमैनशिप. ओके, किस तरह से हमें ये डिफरेंट आइटम्स कंस्ट्रक्ट करनी है, ओके, दैट इज कॉल्ड वर्कमैनशिप. ओके, तो इसीलिए क्या चाहिए? स्पेसिफिकेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिकेशन. स्पेसिफिकेशन के बगैर आपके पास सिंपली ड्राइंग है तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितना मटेरियल यूज करना है, किस तरह से काम करना है. ओके, इसलिए इसलिए स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड है. दैटफॉर स्पेसिफिकेशन इज रिक्वायर्ड. ड्रॉइंग्स डू नॉट फर्निश द डिटेल्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क्स. ओके, द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल्स, प्रपोर्शन ऑफ द मॉर्टार्स, वर्कमैनशिप विच आर डिस्क्राइब्ड इन द स्पेसिफिकेशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल सैंड फेस प्लास्टर है, स्मूथ सीमेंट प्लास्टर है, वाइट वॉशिंग है, तो वो कितना थिक करना है वो भी डिटेल्स दिया होता है. फॉर एग्जाम्पल डीपीसी है तो वो कितना कितनी थिकनेस का डीपीसी प्रोवाइड करना है, वो सब स्पेसिफिकेशन में दिया होता है. ओके, और कैसे करना है वो भी दिया होता है कि ये फॉर एग्जाम्पल डीपीसी एडेम प्रूफ कोर्स है तो उसका कंस्ट्रक्शन कितना थिक चाहिए, ओके, उसमें क्या मटेरियल चाहिए, वो सब अंदर डिस्कशन किया होता है. ओके, ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशंस फॉर्म द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स. ओके, देन द स्पेसिफिकेशन इज कन्वेड इन अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द ड्राइंग्स एंड इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल द इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्ट्रैक्ट हमें किसी को देना है और फॉर एग्जाम्पल टेंडर भी पास करना है तो उसमें भी आपका कोई क्राइटेरिया चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल ये आइटम है, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स है तो वो कैसे करना है और कौन सा मटेरियल यूज करके करना है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिकेशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हो आर सी सी और डी पी सी तो उसका प्रोपोर्शन दिया होगा, डी पी सी हैविंग थिकनेस दिस, देन आर सी सी हैविंग प्रोपोर्शन इज दिस, तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिकेशन. द स्पेसिफिकेशन शोज द फॉलोइंग डिटेल्स: टाइप एंड क्वालिटी ऑफ द मटेरियल्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एन स्पेसिफिकेशन क्या डिटेल्स प्रोवाइड करता है, द टाइप कौन सा टाइप का मटेरियल आपको यूज करना है, कौन सी क्वालिटी का मटेरियल आपको यूज करना है, दैट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एन आइटम. ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई आइटम है तो उसको प्रिपेयर करने की मेथड क्या है, ओके, कैसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, देन क्वालिटी ऑफ द वर्कमैनशिप, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन आइटम, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल कोई आइटम है तो वो किस में मेजर करना है, इट इज ऑल्सो गिवन इन स्पेसिफिकेशन, अदर डिटेल्स रिलेटेड टू द आइटम. इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्पेसिफिकेशन: समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन द ड्रॉइंग्स रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल्स टू बी यूज एंड द क्वालिटी ऑफ द वर्कमैनशिप टू बी अचीव ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन. ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द स्पेस, स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड सच यूजफुल डेटा इन अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट. ड्राइंग में सब कवर हम नहीं कर सकते, इसीलिए हमें अलग से स्पेसिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में हम स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें लिखा होता है कि मटेरियल का क्वालिटी क्या रखना है, देन वर्कमैनशिप कैसे, क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप कैसे करना है. ओके, तो स्पेसिफिकेशन, जनरल स्पेसिफिकेशन, डिटेल स्पेसिफिकेशन, ये सब हमें दिया है,
आगे हम देखेंगे द ड्रॉइंग्स एंड द स्पेसिफिकेशन फॉर्म टू इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द ड्रॉइंग्स एंड द स्पेसिफिकेशन द प्रोविजन्स ऑफ द स्पेसिफिकेशन आर गिवन मोर लीगल स्ट्रेंथ एंड शैल गवर्न इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द ड्रॉइंग्स एंड द स्पेसिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल ड्रॉइंग के साथ स्पेसिफिकेशन मैच नहीं हो रहा है और कोई प्रॉब्लम है तो हमें हम स्पेसिफिकेशन हमारे पास होता है तो उसको कंसिडर करके ही हम आगे कोई भी वर्क है वो कर सकते हैं द रेट्स ऑफ आइटम्स ऑन द स्पेसिफिकेशन रेट्स ऑफ द आइटम्स ऑन द स्पेसिफिकेशन इफ द स्पेसिफिकेशंस आर रिजिड एंड डिमांड फॉर सुपीरियर क्वाल फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिकेशन काम करने का तरीका ओके और कैसा काम होना चाहिए तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है तो उसका रेट भी ज़्यादा होगा रेट ऑफ दैट आइटम विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा फॉर एग्जांपल कोई कंस्ट्रक्शन हमें करना है तो उसमें आइटम ऐसी है कि जिसमें आपको कोई एक्सपर्ट व्यक्ति चाहिए उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए तो क्या होगा उसका आइटम बढ़ जाएगा ओके द स्पेसिफिकेशंस आर नेसेसरी ड्यूरिंग द सुपरवाइजिंग द वर्क फॉर एग्जाम्पल कोई काम चल रहा है उसको मुझे सुपरवाइज करना है तो स्पेसिफिकेशन बहुत काम आता है द स्पेसिफिकेशन ऑफ द आइटम आर रिक्वायर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू फिल द रेट्स ऑफ द आइटम्स इन द टेंडर डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन क्यों ज़रूरी है तो स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट आइटम्स किसको ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्टर को ओके टू फिल द रेट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स रेट्स कितना रखना है क्या रखना है तो वो फिलअप करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत होती है देन पर्पस ऑफ द स्पेसिफिकेशन टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क ओके क्वालिटी मटेरियल की डिफरेंट मटेरियल जो भी हम मटेरियल यूज करते हैं उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए तो वो उसके लिए हमें स्पेसिफिकेशन चाहिए ज़रूरी है इट इनेबल्स द डिपार्टमेंट देन इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स कॉन्ट्रैक्टर टू डिफाइन ऑप्टेन एंड चेक द मटेरियल्स क्वालिटी एज पर द स्पेसिफिकेशन वो क्या करता है डिपार्टमेंट इंजीनियर आर्किटेक्ट कॉन्ट्रैक्टर ओके टू डिफाइन एंड ऑप्टेन एंड चेक द मटेरियल्स क्वालिटी ओके तो स्पेसिफिकेशन होता है तो उस पे से हम चेक कर सकते हैं कि मटेरियल की क्वालिटी क्या है ओके टू स्पेसिफाई द क्वालिटी वर्कमैनशिप एंड मेथड ऑफ डूइंग द सेम ओके तो उस पे से स्पेसिफाई होता है कि क्वालिटी वर्क कैसे हो रहा है देन मेथड ऑफ डूइंग कैसा है दैट मीन्स वर्कमैनशिप कैसे होना चाहिए और कैसे हो रहा है वो स्पेसिफिकेशन पे से हमें पता चलता है स्पेसिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड टू क्लैरिफाई द ड्राइंग्स ओके स्पेसिफिकेशन ज़रूरी है ड्राइंग क्लैरिफाई करने के लिए ओके स्पेसिफिकेशंस आर दैट मीन्स ड्राइंग में जो भी सेक्शन में डिटेल्स दिया है उसके साथ स्पेसिफिकेशन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना है जब मटेरियल मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो वो ड्राइंग जो भी है उसको क्लैरिफाई करने के लिए जो भी ड्राइंग हमारे पास है उसमें कौन सी आइटम यूज़ करनी है देन जो भी वर्कमैनशिप है कौन सी है क्वालिटी ऑफ मटेरियल कौन सा है तो उसके लिए स्पेसिफिकेशन चाहिए द स्पेसिफिकेशंस आर हेल्पफुल टू द कॉन्ट्रैक्टर इन फिलिंग द रेट्स ऑफ द वेरियस आइटम्स इन द टेंडर स्पेसिफिकेशन ऑफ द वर्क सर्व एज अ गाइड टू द सुपरवाइजिंग स्टाफ ऑफ द ऑनर एज वेल एज द कॉन्ट्रैक्टर टू एग्जीक्यूट द वर्क टू दैट सेटिस्फैक्शन दैट मीन्स स्पेसिफिकेशन से सुपरवाइजिंग स्टाफ जो भी है ओके तो उसको हम गाइड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई और सुपरवाइजिंग स्टाफ ऑफ द ऑनर एज वेल एज द कॉन्ट्रैक्टर तो कॉन्ट्रैक्टर का जो भी स्टाफ है और ऑनर का जो भी स्टाफ है तो स्पेसिफिकेशन पर से हम पता उनको बता सकते हैं कि भाई ये काम ऐसे हो रहा है उनको गाइड कर सकते हैं ओके Then next, specifications are necessary to verify and check the strength of the material of the work.
देन स्पेसिफिकेशन इज एन एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट एंड इज रिक्वायर्ड फॉर एट्रीब्यूशन आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन दैट मीन्स वॉट? ए वे टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट. दैट मीन्स स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट ज़रूरी है बिकॉज उस पर से कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई तकलीफ हुआ. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनर बोल रहा है कि आपने जो भी स्पेसिफिकेशन दिया था उसकी तरह से काम नहीं किया है ओके और बिलिंग में कोई प्रॉब्लम कर रहा है. तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर और ऑनर के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स है ओके जो भी कोर्ट केसेस है तो वो हम रिजॉल्व कर सकते हैं स्पेसिफिकेशन की मदद से. ओके स्पेसिफिकेशन इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई द इक्विपमेंट्स टूल्स प्लांट्स टू बी एंगेज फॉर द वर्क एंड दस एनेबल्स टू प्रोक्यूर देन बिफोर हैंड. तो स्पेसिफिकेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कौन से इक्विपमेंट चाहिए, टूल्स चाहिए, प्लांट्स चाहिए ये वर्क के लिए, वो हम वो कौन कौन से हमें इक्विपमेंट चाहिए, टूल्स चाहिए और प्लांट्स चाहिए जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसके लिए, तो वो स्पेसिफिकेशन पे से पता चलता है. ओके देन टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन. द स्पेसिफिकेशन आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ब्रीफ स्पेसिफिकेशन और जनरल स्पेसिफिकेशन. तो ब्रीफ स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि जो भी हमारा आइटम है उसका स्मॉल डिस्क्रिप्शन होता है. The brief specification gives the nature and class of work, material and the general terms to be used in the various part of the work from the foundation to the superstructure. Only a brief specification of each and every item is given. It is useful for estimating the project. They give the general idea of द होल वर्क और द स्ट्रक्चर. दैट मीन्स शॉर्ट में स्पेसिफिकेशन दिया होता है जिसपे से आपका आइडिया आ सकता है. ओके दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट. कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में वो स्पेसिफिकेशन नहीं होता है. ओके देन नेक्स्ट वन इज डिटेल स्पेसिफिकेशन. इन डिटेल स्पेसिफिकेशन में सब कुछ दिया होता है कि आपको काम कैसे करना चाहिए, क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए आइटम की, क्वांटिटीज कितनी यूज करनी चाहिए, प्रोपोर्शन ऑफ द मटेरियल कितना चाहिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कितनी चाहिए, वो सब अंदर लिखा होता है. द डिटेल स्पेसिफिकेशन फॉर ए पर्टिकुलर आइटम स्पेसिफाई द क्वालिटीज क्वांटिटीज एंड प्रोपोर्शन ऑफ द मटेरियल्स एंड द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम ऑफ द वर्क इन ए प्रोजेक्ट. तो इससे क्या पता चलता है, क्वालिटीज क्वांटिटीज प्रोपोर्शन ऑफ द मटेरियल्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एग्जीक्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम ऑफ द वर्क इन अ प्रोजेक्ट. द डिटेल स्पेसिफिकेशंस ऑफ द डिफरेंट आइटम्स ऑफ द वर्क आर प्रिपेयर्ड सेपरेटली एंड डिस्क्राइब व्हाट द वर्क शुड बी एंड हाउ दे आर एग्जीक्यूटेड एंड कंस्ट्रक्टेड. तो डिटेल स्पेसिफिकेशन में हमें डिफरेंट आइटम के जो भी आइटम्स है उसका अलग अलग आइटम्स के लिए अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया होता है और स्पेसिफिकेशन दिया होता है कैसे काम करना है, किस तरह से काम करना है. ओके वो सब अंदर डिटेल दिया होता है. फिजिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल टेस्टिस इफ एनी रिक्वायर्ड फॉर द फिनिश्ड वर्क टू एंश्योर द डिजायर्ड स्ट्रेंथ और क्वालिटी आर स्पेसिफाइड इन द डिटेल स्पेसिफिकेशन. कोई फॉर एग्जाम्पल टेस्ट चाहिए तो उसका भी डिटेल अंदर स्पेसिफिकेशन में दिया होता है. देन द टाइप ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट स्पेशल टूल्स एंड प्लांट्स देयर मेथड ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन आर डिस्क्राइब इन द डिटेल स्पेसिफिकेशन. सेम सीक्वेंस इन विच द वर्क इज टू बी कैरिड आउट इज मेंटेन्ड वाइल राइटिंग द डिटेल स्पेसिफिकेशन. डिटेल स्पेसिफिकेशन आर फ्रेम्ड एंड रिटन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट प्लानर आर्किटेक्ट एक्सेट्रा. द स्पेसिफिकेशन आर रिटन बाय द इंजीनियर्स एंड स्टैंडर्डाइज. Same sequence in which the work is to be carried out is maintained by writing the detailed specification. Same sequence in which the work is to be carried out. जो भी work हो रहा है वो sequence होना चाहिए, वो sequence maintain होनी चाहिए. Okay?
जो भी हम स्पेसिफिकेशन लिखते हैं उसमें वो सब सीक्वेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई चलो ये पहले करो बाद में ये आइटम करो, तो ऐसा नहीं है। ओके, स्टेप बाय स्टेप स्पेसिफिकेशन में डिस्क्राइब्ड होना चाहिए। डिटेल स्पेसिफिकेशंस आर फ्रेम्ड एंड रिटन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट प्लानर आर्किटेक्ट। द स्पेसिफिकेशन आर रिटन बाय द इंजीनियर एंड स्टैंडर्डाइज। वेरियस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स लाइक CPWD, स्टेट PWDs एंड अदर सच अदर ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर द डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ द वर्क एंड गेट प्रिंटेड इन द बुक फॉर्म अंडर द नेम डिटेल स्पेसिफिकेशन व्हेन द वर्क और ए प्रोजेक्ट इज टेकन अप इंस्टेड ऑफ राइटिंग द डिटेल स्पेसिफिकेशन। एवरी टाइम द प्रिंटेड डिटेल स्पेसिफिकेशन आर refers or specification are known as standard specification. When the work or a project is taken up instead of writing the detailed specification every time, हर बार हमें स्पेसिफिकेशन डिटेल लिखना पड़ता है, उससे अच्छा कोई प्रिंटेड कॉपी होती है स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन की, उसका यूज़ करके हम कोई भी वर्क कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। द डिटेल स्पेसिफिकेशन फॉर्म ए पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट एंड इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड लीगल इन केस ऑफ द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द ऑनर एंड द कॉन्ट्रैक्टर। कोई भी तकलीफ आई है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो डिटेल स्पेसिफिकेशन होगा तो क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो सॉल्व हो सकता है। ओके, द जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ ए फर्स्ट क्लास बिल्डिंग। तो फर्स्ट वन इज फाउंडेशन एंड प्लिंथ। द फाउंडेशन एंड प्लिंथ शैल बी अ फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन लाइम मोर्टार और वन जैम सिक्स सीमेंट मोर्टार ओवर लाइम कॉन्क्रीट ऑफ वन जैम फोर जैम एट सीमेंट कॉन्क्रीट। यहाँ पे क्या है, लाइम मोर्टार का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क होना चाहिए, देन सीमेंट मोर्टार का क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए, लाइम कंक्रीट का क्या प्रोपोर्शन ओवर होना चाहिए, सीमेंट कंक्रीट का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, वो सब दी सिंपली प्रोपोर्शन दिया होता है। ओके, देन डीपीसी दैट मींस डैम प्रूफ कोर्स शैल बी 2.5 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट वन जैम 1.5 जैम 3 और 2 सेंटीमीटर थिक सीमेंट मोर्टार मिक्स्ड विद द सूटेबल वाटर प्रूफिंग कंपाउंड एज स्पेसिफाइड एंड पेंटेड विद द टू कोट्स ऑफ द बिट्यूमिन। ओके, देन नेक्स्ट वन इज सुपर स्ट्रक्चर। द रूफ शैल बी 10 सेंटीमीटर थिक आरसीसी स्लैब विद 10 सेंटीमीटर एवरेज थिक लाइम टेरेसिंग ओवर इट। ओके, द रूफ शैल बी 10 सेंटीमीटर थिक आरसीसी स्लैब। ओके, सुपर स्ट्रक्चर में रूफ की बात है। द रूफ शैल बी 10 सेंटीमीटर थिक आरसीसी स्लैब विद 10 सेंटीमीटर एवरेज थिक लाइम टेरेसिंग ओवर इट। हाइट ऑफ द रूम शैल बी लेस देन 3.7 मीटर। फ्लोरिंग, द फ्लोरिंग शैल बी इन मोजाइक कोटा स्टोन मार्बल सिरामिक टाइल्स एक्सेट्रा एज स्पेसिफाइड ओवर द लेयर ऑफ नॉट लेस देन 75 mm थिक सीमेंट कॉन्क्रीट 1 जैम 5 जैम 10 और रिचर मिक्स। फिनिशिंग, इनसाइड एंड आउटसाइड फिनिशिंग शैल बी 10 mm थिक सीमेंट मोर्टार प्लास्टर्ड एंड द इनसाइड ऑफ द ड्राइंग डाइनिंग बेडरूम शैल बी डिस्टम्पर्ड एंड रिमेनिंग पोर्शन वाइट वॉश्ड एंड 3 coats एंड द आउटसाइड शैल बी 2 coats ऑफ डेकोरेटिव वाटर प्रूफ सीमेंट कोटिंग। नेक्स्ट, डोर्स एंड विंडोज। चौखट्स और फ्रेम शैल बी ऑफ सीजन टिक वूल। सीजन का मतलब क्या है कि पूरे पूरे सीजनिंग बोलते हैं ना, सीजन दैट मीन्स उसको जो भी टिम्बर होता है उसको पूरा सुखाया होता है। ओके, उसमें जो भी नमी जो भी वाटर है वो एब्सॉर्ब किया किया जाता है थ्रू सीजनिंग, दैट इज कॉल्ड सीजन। टिक वुड शटर शैल बी 3 सेंटीमीटर थिक। टिक वुड पैनलिंग
ब्रास फिटिंग शैल बी प्रोवाइडेड, डोर्स एंड विंडोज शैल बी वर्निश्ड और पेंटेड टू कोट्स देन मिसचेलिनियस देन रेन वाटर पाइप शैल बी ऑफ कास्ट आयरन एंड एस्बेस्टोस सीमेंट एंड फिनिश पेंटेड. ऑल सैनिटरी वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिक फिटिंग शैल बी ऑफ फर्स्ट क्लास मटेरियल. रेन वाटर पाइप है किसका बना होना चाहिए, शैल बी ऑफ कास्ट आयरन और एस्बेस्टोस सीमेंट और प्रिंटेड फिनिश्ड पेंटेड. ऑल सैनिटरी वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिकल फिटिंग शैल बी ऑफ द फर्स्ट क्लास मटेरियल्स. थैंक यू. हेलो स्टूडेंट, जय स्वामी नारायण. टुडे वी स्टार्टेड विद यूनिट नंबर 6 स्पेसिफिकेशन. व्हाट इज स्पेसिफिकेशन? A detailed description of the materials and workmanship required to complete an engineering project in accordance with its drawings and details is known as specification. What do you understand by specification? So, कितना material चाहिए, क्या material चाहिए, okay? जो भी हमें item है, different different items होती है, okay? RCC slab है, RCC beam है. ओके, ब्रिक मशीनरी वर्क्स है, एक्सकेवेशन है, तो किस तरह से काम करना है, दैट इज कॉल्ड वर्कमैनशिप. ओके, किस तरह से हमें ये डिफरेंट आइटम्स कंस्ट्रक्ट करनी है, ओके, दैट इज कॉल्ड वर्कमैनशिप. ओके, तो इसीलिए क्या चाहिए, स्पेसिफिकेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिकेशन. स्पेसिफिकेशन के बगैर आपके पास सिंपली ड्राइंग है तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितना मटेरियल यूज करना है, किस तरह से काम करना है. ओके, इसलिए इसलिए स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड है. दैटफॉर स्पेसिफिकेशन इज रिक्वायर्ड. ड्राइंग्स डू नॉट फर्निश द डिटेल्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क्स. ओके, the quality of the materials, proportion of the mortars, workmanship which are described in the specification. Okay, for example, sand face plaster है, smooth cement plaster है, white washing है, तो वो कितना thick करना है वो भी details दिया होता है. For example, DPC है तो कितना कितनी thickness का DPC provide करना है वो सब specification में दिया होता है. Okay, और कैसे करना है वो भी दिया होता है कि ये फॉर एग्जाम्पल डीपी से डैम प्रूफ कोर्स है तो उसका कंस्ट्रक्शन कितना थिक चाहिए. ओके, उसमें क्या मटेरियल चाहिए वो सब अंदर डिस्कशन किया होता है. ओके, ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशंस फॉर्म द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स. ओके, देन द स्पेसिफिकेशन इज कन्वेड इन अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट along with the drawings and it is essential part of all the engineering contracts. For example, कोई contract हमें किसी को देना है और for example tender भी pass करना है तो उसमें भी आपका कोई criteria चाहिए कि for example ये item है, ये building construct करना है तो उसमें different different items है तो वो कैसे करना है और कौन सा material use करके करना है, that is called specification. Okay, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हो आर सी सी और डी पी सी तो उसका प्रोपोर्शन दिया होगा, डी पी सी हैविंग थिकनेस दिस देन आर सी सी हैविंग प्रोपोर्शन इज दिस, तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिकेशन. द स्पेसिफिकेशन शोज द फॉलोइंग डिटेल्स, टाइप एंड क्वालिटी ऑफ द मटेरियल्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एन स्पेसिफिकेशन क्या डिटेल्स प्रोवाइड करता है, द टाइप कौन सा टाइप का मटेरियल आपको यूज करना है, कौन सी क्वालिटी का मटेरियल आपको यूज करना है, देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एन आइटम. ओके, फॉर एग्जांपल कोई आइटम है तो उसको प्रिपेयर करने की मेथड क्या है. ओके, कैसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, देन क्वालिटी ऑफ द वर्कमैनशिप, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन आइटम, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल कोई आइटम है तो वो किस में मेजर करना है, इट इज ऑल्सो गिवन इन स्पेसिफिकेशन. अदर डिटेल्स रिलेटेड टू द आइटम. इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पेसिफिकेशन,
Sometimes it is not possible to provide the information on the drawings regarding the quality of the materials to be used and the quality of the workmanship to be achieved during the construction. Due to the shortage of the space, specification provides such useful data in a separate contract document. ड्राइंग में सब कवर हम नहीं कर सकते, इसीलिए हमें अलग से स्पेसिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में हम स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें लिखा होता है कि मटेरियल का क्वालिटी क्या रखना है, देन वर्कमैनशिप कैसे, क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप कैसे करना है. ओके तो स्पेसिफिकेशन, जनरल स्पेसिफिकेशन, डिटेल स्पेसिफिकेशन, ये सब हमें दिया है. आगे हम देखेंगे द ड्रॉइंग्स एंड द स्पेसिफिकेशन फॉर्म टू इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स. इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द ड्रॉइंग्स एंड द स्पेसिफिकेशन द प्रोविजंस ऑफ द स्पेसिफिकेशन आर गिवन मोर लीगल स्ट्रेंथ एंड शैल गवर्न. इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द ड्रॉइंग्स एंड द स्पेसिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉइंग के साथ स्पेसिफिकेशन मैच नहीं हो रहा है और कोई प्रॉब्लम है, तो हमें हम स्पेसिफिकेशन हमारे पास होता है तो उसको कंसिडर करके ही हम आगे कोई भी वर्क है वो कर सकते हैं. द रेट्स ऑफ आइटम्स ऑन द स्पेसिफिकेशन, रेट्स ऑफ द आइटम्स ऑन द स्पेसिफिकेशन, इफ द स्पेसिफिकेशंस आर रिजिड एंड डिमांड फॉर सुपीरियर क्वालिटी, फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिकेशन काम करने का तरीका, ओके और कैसा काम होना चाहिए, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है तो उसका रेट भी ज्यादा होगा, रेट ऑफ दैट आइटम विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा. फॉर एग्जांपल कोई कंस्ट्रक्शन हमें करना है तो उसमें आइटम ऐसी है कि जिसमें आपको कोई एक्सपर्ट व्यक्ति चाहिए उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो क्या होगा, उसका आइटम बढ़ जाएगा. ओके The specifications are necessary during the supervising the work. For example, कोई काम चल रहा है उसको मुझे सुपरवाइज करना है तो स्पेसिफिकेशन बहुत काम आता है. The specification of the item are required by the contractor to fill the rates of the items in the tender document. Specification क्यों जरूरी है, तो specification of the different items किसको जरूरी है, contractor को. ओके टू फिल द रेट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स, रेट्स कितना रखना है, क्या रखना है, तो वो फिलअप करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को स्पेसिफिकेशन की जरूरत होती है. देन पर्पस ऑफ द स्पेसिफिकेशन, टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क. ओके क्वालिटी मटेरियल की, डिफरेंट मटेरियल जो भी हम मटेरियल यूज करते हैं उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, तो वो उसके लिए हमें स्पेसिफिकेशन चाहिए, जरूरी है. इट इनेबल्स द डिपार्टमेंट देन इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स कॉन्ट्रैक्टर टू डिफाइन ऑब्टेन एंड चेक द मटेरियल्स क्वालिटी एज पर द स्पेसिफिकेशन. वो क्या करता है, डिपार्टमेंट इंजीनियर आर्किटेक्ट कॉन्ट्रैक्टर, ओके टू डिफाइन एंड ऑब्टेन एंड चेक द मटेरियल्स क्वालिटी. ओके तो स्पेसिफिकेशन होता है तो उसके उस पर से हम चेक कर सकते हैं कि मटेरियल की क्वालिटी क्या है. ओके टू स्पेसिफाई द क्वालिटी वर्कमैनशिप एंड मेथड ऑफ डूइंग द सेम. ओके तो उस पर से स्पेसिफाई होता है कि क्वालिटी वर्क कैसे हो रहा है, देन मेथड ऑफ डूइंग कैसा है, दैट मीन्स वर्कमैनशिप कैसे होना चाहिए और कैसे हो रहा है, वो स्पेसिफिकेशन पे से हमें पता चलता है. स्पेसिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड टू क्लैरिफाई द ड्राइंग्स. ओके स्पेसिफिकेशन जरूरी है ड्राइंग क्लैरिफाई करने के लिए. ओके स्पेसिफिकेशंस आर, दैट मीन्स ड्राइंग में जो भी सेक्शन में डिटेल्स दिया है उसके साथ स्पेसिफिकेशन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना है. जब मटेरियल मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो वो ड्राइंग जो भी है उसको क्लैरिफाई करने के लिए, जो भी ड्राइंग हमारे पास है उसमें कौन सी आइटम यूज करनी है, देन जो भी वर्कमैनशिप है कौन सी है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल कौन सा है, तो उसके लिए स्पेसिफिकेशन चाहिए. द स्पेसिफिकेशंस आर हेल्पफुल टू द कॉन्ट्रैक्टर इन फिलिंग द रेट्स ऑफ द वेरियस आइटम्स इन द टेंडर.
स्पेसिफिकेशन ऑफ द वर्क सर्व एज अ गाइड टू द सुपरवाइजिंग स्टाफ ऑफ द ऑनर एज वेल एज द कॉन्ट्रैक्टर टू एग्जीक्यूट द वर्क टू देयर सेटिस्फेक्शन. दैट मीन्स स्पेसिफिकेशन से सुपरवाइजिंग स्टाफ जो भी है ओके तो उसको हम गाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई और सुपरवाइजिंग स्टाफ ऑफ द ऑनर एज वेल एज द कॉन्ट्रैक्टर. तो कॉन्ट्रैक्टर का जो भी स्टाफ है और ऑनर का जो भी स्टाफ है तो स्पेसिफिकेशन पर से हम उनको बता सकते हैं कि भाई ये काम ऐसे हो रहा है, उनको गाइड कर सकते हैं. ओके देन नेक्स्ट स्पेसिफिकेशंस आर नेसेसरी टू वेरीफाई एंड चेक द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल ऑफ द वर्क. Then specification is an essential contract document and is required for attribution, arbitration. Arbitration that means what? A way to resolve the dispute. That means specification document जरूरी है बिकॉज उसपे से कोई फॉर एग्जाम्पल कोई तकलीफ हुआ. फॉर एग्जाम्पल ओनर बोल रहा है कि आपने जो भी स्पेसिफिकेशन दिया था उसकी तरह से काम नहीं किया है ओके और बिलिंग में कोई प्रॉब्लम कर रहा है. तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर और ऑनर के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स है ओके जो भी कोर्ट केसेस है तो वो हम रिजॉल्व कर सकते हैं स्पेसिफिकेशन की मदद से. ओके स्पेसिफिकेशन इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई द इक्विपमेंट्स टूल्स प्लांट्स टू बी एंगेज फॉर द वर्क एंड दस एनेबल्स टू प्रोक्यूर देन बिफोर हैंड. तो स्पेसिफिकेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कौन से इक्विपमेंट चाहिए, टूल्स चाहिए, प्लांट्स चाहिए ये वर्क के लिए, कौन कौन से हमें इक्विपमेंट चाहिए, टूल्स चाहिए और प्लांट्स चाहिए जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसके लिए, तो वो स्पेसिफिकेशन पे से पता चलता है. ओके देन टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन. द स्पेसिफिकेशन आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ब्रीफ स्पेसिफिकेशन और जनरल स्पेसिफिकेशन. तो ब्रीफ स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि जो भी हमारा आइटम है उसका स्मॉल डिस्क्रिप्शन होता है. The brief specification gives the nature and class of work, material in the general terms to be used in the various part of the work from the foundation to the superstructure. Only a brief specification of each and every item is given. It is useful for estimating the project. It gives a general idea of the whole work or the structure. That means short mein specification diya hota hai jispe se aapko idea aa sakta hai. ओके दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट. कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में वो स्पेसिफिकेशन नहीं होता है. ओके देन नेक्स्ट वन इज डिटेल स्पेसिफिकेशन. इन डिटेल स्पेसिफिकेशन में सब कुछ दिया होता है कि आपको काम कैसे करना चाहिए, क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए आइटम की, क्वांटिटीज कितनी यूज करनी चाहिए, प्रोपोर्शन ऑफ द मटेरियल कितना चाहिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कितनी चाहिए, वो सब हमने लिखा होता है. द डिटेल स्पेसिफिकेशन फॉर ए पर्टिकुलर आइटम स्पेसिफाई द क्वालिटीज क्वांटिटीज एंड प्रोपोर्शन ऑफ द मटेरियल्स एंड द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम ऑफ द वर्क इन ए. तो इससे क्या पता चलता है, क्वालिटीज क्वांटिटीज प्रोपोर्शन ऑफ द मटेरियल्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एग्जीक्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम ऑफ द वर्क इन ए प्रोजेक्ट. द डिटेल स्पेसिफिकेशंस ऑफ द डिफरेंट आइटम्स ऑफ द वर्क आर प्रिपेयर्ड सेपरेटली एंड डिस्क्राइब व्हाट द वर्क शुड बी एंड हाउ दे आर एग्जीक्यूटेड एंड कंस्ट्रक्टेड. तो डिटेल स्पेसिफिकेशन में हमें डिफरेंट आइटम के जो भी आइटम्स है उसका अलग अलग आइटम्स के लिए अलग अलग डिफरेंट डिस्क्रिप्शन दिया होता है और स्पेसिफिकेशन दिया होता है कैसे काम करना है, किस तरह से काम करना है. ओके वो सब अंदर डिटेल दिया होता है. फिजिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल टेस्टिस इफ एनी रिक्वायर फॉर द फिनिश्ड वर्क टू एंश्योर द डिजायर्ड स्ट्रेंथ और क्वालिटी आर स्पेसिफाइड इन द डिटेल स्पेसिफिकेशन. कोई फॉर एग्जाम्पल टेस्ट चाहिए तो उसका भी डिटेल अंदर स्पेसिफिकेशन में दिया होता है.
देन द टाइप ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट स्पेशल टूल्स एंड प्लांट्स देयर मेथड ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन आर डिस्क्राइब इन द डिटेल स्पेसिफिकेशन. सेम सिक्वेंस इन विच द वर्क इज टू बी कैरिड आउट इज मेंटेन्ड व्हाइल राइटिंग द डिटेल स्पेसिफिकेशन. Detail specification are framed and written based on the requirement provided by the department, planner, architect, etc. The specification are written by the engineers and standardized. Same sequence in which the work is to be carried out is maintained by writing the detail specification. सेम सिक्वेंस इन विच द वर्क इज टू बी कैरिड आउट. जो भी वर्क हो रहा है वो सिक्वेंस होना चाहिए, वो सिक्वेंस मेंटेन होनी चाहिए. ओके जो भी हम स्पेसिफिकेशन लिखते हैं उसमें वो सब सिक्वेंस होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि भाई चलो ये पहले करो बाद में ये आइटम करो, तो ऐसा नहीं है. ओके स्टेप बाय स्टेप स्पेसिफिकेशन में डिस्क्राइब्ड होना चाहिए. Detailed specifications are framed and written based on the requirement provided by the department, planner, architect. The specifications are written by the engineer and standardized. Various engineering departments like CPWD, state PWDs and other organizations prepare the detailed specification of the various items of the work and get printed in the book form under the name detailed specification when the work or a project is taken up instead of writing the detailed specification. Every time the printed detailed specification are refers or specification are known as standard specification. When the work or a project is taken up instead of writing the detailed specification every time. हर बार हमें specification detail लिखना पड़ता है, उससे अच्छा कोई printed copy होती है standard specification की, उसका use करके हम कोई भी work कर सकते हैं. That is called standard specification. The detailed specification form a part of the contract document and it can be constructed legal in case of the discrepancy between the owner and the contractor. कोई भी तकलीफ आई है, कोई भी misunderstanding है, तो detailed specification होगा तो क्या होगा, कोई भी problem होगा तो वो solve हो सकता है. Okay, the general specification of a first class building. तो first one is foundation and plinth. The foundation and plinth shall be a first class brick work in lime mortar or one gem six cement mortar over lime concrete of one gem four gem eight cement concrete. यहाँ पे क्या है, lime mortar का proportion क्या होना चाहिए, first class brick work होना चाहिए, then cement mortar का क्या proportion होना चाहिए, लाइम कंक्रीट का क्या प्रोपोर्शन ओवर होना चाहिए, सीमेंट कंक्रीट का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, वो सब दी सिंपली प्रोपोर्शन दिया होता है. ओके देन डीपीसी दैट मींस डैम प्रूफ कोर्स शैल बी 2.5 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट वन जेम 1.5 जेम 3 और 2 सेंटीमीटर थिक सीमेंट मोर्टार मिक्स्ड विद द सुटेबल वाटर प्रूफिंग कंपाउंड एज स्पेसिफाइड एंड पेंटेड विद द टू कोट्स ऑफ द बिट्यूमिन. ओके देन नेक्स्ट वन इज सुपर स्ट्रक्चर. द रूफ शैल बी 10 सेंटीमीटर थिक आरसीसी स्लैब विद 10 सेंटीमीटर एवरेज थिक लाइन टेरेसिंग ओवर इट. The roof shall be 10 centimeter thick RCC slab. Okay. Superstructure में roof की बात है. The roof shall be 10 centimeter thick RCC slab with 10 centimeter average thick lime terracing over it. Height of the room shall be less than 3.7 meter. Flooring. The flooring shall be in mosaic, kota stone, marble, ceramic tiles, etc. as specified over the layer of not less than 75 mm thick cement, concrete, 1 gem, 5 gem, 10 or richer mix.
फिनिशिंग इनसाइड एंड आउटसाइड फिनिशिंग शैल बी 10 mm थिक सीमेंट मोर्टार प्लास्टर्ड एंड द इनसाइड ऑफ द ड्रॉइंग डाइनिंग बेडरूम शैल बी डिस्टेम्पर एंड रिमेनिंग पोर्शन वाइट वॉश्ड एंड 3 coats and the outside shall be 2 coats of decorative waterproof cement coating. Next, doors and windows. Chokhats or frames shall be of season thick wool. Season का मतलब क्या है कि पूरे पूरे seasoning बोलते हैं ना season. That means उसको जो भी timber होता है उसको पूरा सुखाया होता है. Okay, उसमें जो भी नमी जो भी water है वो absorb किया किया जाता है through seasoning. That is called season. Thick wood shutter shall be 3 cm thick. Thick wood paneling. Brass fitting shall be provided. Doors and windows shall be varnished or painted 2 coats. Then miscellaneous. Then rain water pipe shall be of cast iron and asbestos cement and finish painted. All sanitary water supply electric fitting shall be of first class material. रेन वाटर पाइप है किसका बना होना चाहिए शेल बी ऑफ कास्ट आयरन और एस्बेस्टोस सीमेंट और प्रिंटेड फिनिश्ड पेंटेड ऑल सैनिटरी वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स शेल बी ऑफ द फर्स्ट क्लास मटेरियल्स. थैंक यू.